जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आपका बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन हुआ या नहीं, ये कैसे पता करें। तो इस जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि एक्स सर्विसमैन से जुड़ी ऐसी ही नई वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अभी तक 32 लाख में से 17 लाख डिफेंस पेंशनर का माइग्रेशन स्पर्श में हुआ है और बाकी बचे पेंशनर्स का माइग्रेशन भी दिसंबर तक हो जाएगा। पर दोस्तों, आपको आपके माइग्रेशन का स्टेटस कैसे चेक करना है, इसकी प्रोसेस हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर में जाना है, उसके बाद आपको सर्च करना है PCDA प्रयागराज। ये सर्च करने के बाद नीचे जो पहला वेबसाइट आएगा उसी वेबसाइट को आपको ओपन करना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको थोड़ा नीचे नीचे आना है और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे माइग्रेशन इंटो स्पर्श करके एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक उसी ऑप्शन के नीचे आपको चेक स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक स्टेटस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से वही वेबसाइट ओपन होगी। तो आपको फिर से थोड़ा नीचे आना है और नीचे आपको नो योर स्पर्श PPO एंड आइडेंटिफिकेशन स्टेटस का छोटा सा फॉर्म दिखेगा। पर दोस्तों, अगर आपको इस फॉर्म को डायरेक्ट ओपन करना है तो इस फॉर्म की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस फॉर्म पे पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस फॉर्म पे आओगे तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट ऑप्शन फॉर स्पर्श PPO का ऑप्शन दिखेगा। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन दिखेंगे जो कि है EPPO नंबर, IC नंबर, रेजिमेंटल नंबर, EPF नंबर और बैंक अकाउंट। इसमें दोस्तों सबसे आसान तरीका है IC नंबर, रेजिमेंटल नंबर और GPF नंबर का। IC नंबर ऑफिसर्स के लिए, रेजिमेंटल नंबर JCO, अदर रैंक और उनके बराबर के रैंक के लिए, और GPF नंबर जो है दोस्तों वो डिफेंस सिविलियन के लिए होता है। तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एंटर ऑप्शन वैल्यू करके दिखेगा, उसमें आपको आपका जो भी IC नंबर या रेजिमेंटल नंबर या GPF नंबर है वो डालना है। उसके बाद आपको नीचे इमेज वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको ऊपर दिए गए कैप्चा इमेज में जो लेटर्स हैं उन लेटर्स को देख के सेम टू सेम लेटर्स आपको इसमें ध्यान से डालने हैं। ये करने के बाद आपको सबमिट बटन पे सिंपली क्लिक करना है और जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपको आपके सामने स्पर्श माइग्रेशन की सारी जानकारी दिख जाएगी। और दोस्तों, अगर आपका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है तो आपके सामने नो रिकॉर्ड्स फाउंड करके लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है पर आपको स्पर्श का PPO नंबर नहीं मिला है तो यहाँ पे स्पर्श PPO नंबर के सामने विल बी अवेलेबल सून करके लिखा हुआ आएगा। तो दोस्तों, आपको एक दो हफ्ते इंतज़ार करना है और समय समय पर ऐसे ही आपको आपके स्पर्श माइग्रेशन का स्टेटस चेक करते रहना है। पर दोस्तों, हालांकि जब आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी स्पर्श पर अपडेट हो जाता है तो PCDA आपको मैसेज या ईमेल के जरिए आपका PPO नंबर, पेंशन आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड भेज देता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना स्पर्श माइग्रेशन का स्टेटस पता कर सकते हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं तो हमारा एंड्रॉयड ऐप भी ज़रूर डाउनलोड करें जिसका नाम है CG रिसेटलमेंट। इस ऐप में आपको एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड जॉब और न्यूज़ की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। तो गूगल प्ले स्टोर से या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें CG रिसेटलमेंट ऐप। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।